The power dissipated in resistor R3 is 15 watt. The reading of ammeter and voltmeter are this and this. Ammeter, voltmeter and battery is ideal. So R1 कितना है, R3 कितना है, EMF कितना है, ये सब बताना है. ओके, तो वोल्टमीटर की रीडिंग है 10. करंट है 500 मिली यानी 0.5. तो R1 का तो वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा V upon I. तो V है 10 और ये 0.5 यानी 20 ओम. तो R1 की वैल्यू 20 ओम यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद हमें R2 तो हमें पता ही है और क्या दिया है. हाँ ठीक है, तो इस पर वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है. करंट दोनों में सेम होगी तो करंट यहां पर भी सेम होगी. करंट कितनी है 0.5, तो यहां पे भी करंट 0.5 होगी. तो यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा IR, तो 10 into 0.5 यानी 5 वोल्ट. तो इस पर वोल्टेज होगा 5 वोल्ट, इस पर वोल्टेज था 10 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट. और ये दोनों मिला के इसके पैरेलल में है, तो यहां पे भी 15 वोल्ट, यहां पे भी 15 वोल्ट. तो EMF बैटरी का 15 वोल्ट आएगा, यानी सी ऑप्शन सही है, बैटरी का EMF 15 वोल्ट है. ओके, अब इसके बाद R3 की वैल्यू क्या होगी ये हमें चेक करना है. तो R3 की वैल्यू के लिए, अच्छा दो तो हमारे वैसे ऑलरेडी सही आ ही चुके हैं, तो अच्छा पावर और दिया है. तो वोल्टेज R3 पर 15 आएगा, पावर 15 दिया है, तो पावर इक्वल्स टू VI लगा देते हैं. VI नहीं, और हमें V पता है और हमें R निकालना है, तो V स्क्वायर बाई R लगा देते हैं. तो 15 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 बटे R. तो यहां से R3 की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी B भी सही है, सारे ऑप्शंस करेक्ट.